अभी भी साफ नहीं हुआ दिल्ली एनसीआर का मौसम, धुएं की वजह से आसमान में छाई धुंध की चादर, अभी भी खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज अहम बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक, सचिवालय में दोपहर 12 बजे से होगी मीटिंग। दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर किया जा रहा पानी का छिड़काव, फायर ब्रिगेड ने संवेदनशील इलाकों में शुरू किया पानी का स्प्रे। पंजाब में अभी रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले, फिरोजपुर से पराली जलाने का वीडियो सामने आया। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट, राजस्थान में 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, सभी 200 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। राजस्थान में सीएम गहलोत सुबह 11 बजे जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, मल्लिकार्जुन साथ मौजूद रहेंगे। एमपी के दामों में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनावी जनसभा, दामों से एसपी प्रत्याशी दृगपाल सिंह के पक्ष में सभा करेंगे। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा, 7 नवंबर को होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी आज धार और इंदौर में करेंगे चुनावी जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगी। आज मध्य प्रदेश में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री, बीएसपी प्रमुख मायावती अशोकनगर और निवाड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस राज्यों में तुष्टीकरण होता है, कभी नहीं सोचा था कि हत्या पर कांग्रेस राज्यों में जश्न मनाया जाएगा। एमपी के सिवनी में जनसभा के पीएम मोदी ने 10 महीने के बाद बच्चे को गोद खिलाया, पीएम का बच्चे के प्रति दिखा प्यार, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस का मतलब छलावा धोखा समाज को विनाश की तरफ ले जाना, बीजेपी का मतलब विकास और देश को तरक्की की तरफ ले जाना। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बोले अखिलेश यादव, पहले कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी कर रही है। राजस्थान के नागौर में गहलोत का ऐलान, कहा कि सरकार बनने पर गांव में खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, कॉलेजों में छात्रों को लैपटॉप बांटे। एमपी के रायसेन में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा देश से सनातन धर्म को खत्म करने का काम कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी का बयान, न कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता का भरोसा, बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलेबाजी का पत्र। कांग्रेस ने जोधपुर की सूरसागर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया, प्रोफेसर अयूब खान के बेटे शहजाद को टिकट मिलने से लोगों में नाराजगी। एमपी के सागर में बोले राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी की सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा, योजना को 5 साल बढ़ाया गया। राजस्थान के धौलपुर में फूट फूट कर रोए कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कांग्रेस में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी मुहिम के बीच टक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, राहुल के सामने लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा जातीय जनगणना में यादव मुस्लिम ज्यादा दिख रहे, तो पूरे देश में करा ले जातीय जनगणना। हरियाणा के रोहतक में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया, बोले दिवाली पर चाइनीज नहीं खरीदेंगे। सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारिसी ने गिरिराज की अपील का समर्थन किया, कहा दिवाली और छठ पर ना खरीदें चाइनीज सामान। जेडीयू अध्यक्ष ललित सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दोहरे चरित्र की पार्टी है बीजेपी, बीजेपी को कंधे पर चढ़ाया, बदले में रची साजिश। एमपी के देवास में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा मध्य प्रदेश में बनेगी डबल इंजन की सरकार। राजस्थान में गहलोत के मंत्री रामलाल जाट ने जनसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, रामलाल के भाषण से दबंगई नजर आई। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष ने वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात में चल रहे मानहानि के मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी शिवम सोनी का बयान, कहा वही है महादेव का असली मालिक, भूपेश बघेल के कहने पर गया था दुबई। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, महादेव बुक समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश।
शिवम सोनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वर्मा ने सीएम भूपेश बघेल से कराई थी मीटिंग। महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर प्रहार, कहा कांग्रेस अब गांधी के रास्ते पर नहीं बल्कि सट्टे के रास्ते पर चल रही। जेपी नड्डा के निशाने पर सीएम भूपेश बघेल, कहा सत्ता के लिए लगाया जा रहा सट्टा, चुनाव में भूपेश बघेल के लिए 508 करोड़ रुपए लाए गए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्मृति ईरानी का बयान, कहा सत्ता के लिए बेचैन भूपेश बघेल का दुबई में कंट्रोलर, अभी तक इटली में था रिपोर्ट। बिहार के सहरसा में बेटे पर मां की हत्या का आरोप, अपने सहयोगी के साथ मिलकर शव को जलाया, वारदात के बाद से फरार है आरोपी। विश्व कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को दी करारी मात, एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया। विश्व कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे बाद खेला जाएगा मैच।